क्या हो गया, क्यों बुलाया मुझे? अब एक बहुत ही बदतमीज, लूज कैरेक्टर और गंदी सोच वाले इंसान है। फीमेल स्टाफ को सेक्सुअली हरास करने से भी उन्हें कोई नहीं रोक सकता, और यही उन्होंने मेरे साथ किया। अपने घटिया बिहेवियर के लिए माफी मांगने के बजाय उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। अगर मिस्टर शेखर समझते हैं कि दूसरी लड़कियों की तरह मैं चुप रहूंगी तो वो बिल्कुल गलत है। मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डिमांड करूंगी। जब तक वो अपनी पोस्ट से हट नहीं जाते और मुझे मेरी नौकरी वापस नहीं मिलती, तब तक मैं लड़ती रहूंगी। मिस्टर शेखर को ऐसी सजा दिलाऊंगी कि फ्यूचर में फिर कभी ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। अब ये देखना है कि रसिका जो कह रही है क्या वो वाकई सच है, और अगर ये सच है तो क्या उनके साथ इंसाफ होगा। ये होना बाकी था इस घर में। बात मीडिया तक पहुंच गई, अब क्या होगा शिव? कुछ नहीं होगा आनंदी बेटा, कुछ नहीं होगा। ऊंट के पांव नहीं होते, बैठने दो इंक्वायरी, सच्चाई सामने आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा बेटा। चिंता करने की जरूरत कैसे नहीं है पापा जी? शिव जानता है कि उसने कुछ नहीं किया, हम जानते हैं कि हमारे शिव ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन लोग नहीं जानते। उस लड़की की बात सुनेंगे, वो उसके साथ हमदर्दी दिखाएंगे। पापा, पप्पू ने कहा ना कि झूठ के पांव नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। एक बार इंक्वायरी होने दीजिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। शिव इज राइट, हम भला क्यों डरे? डरना उसे चाहिए जो झूठ बोल रहा है। सच्चे इंसान को किस बात का डर? ये तू सच कह रहा है ना? सच है ना कि ये लड़की झूठ बोल रही है? नहीं, मेरा मतलब भरोसा नहीं होता ना, लड़की हो झूठ कैसे बोलेगी? मैं वो रसोई बनाने आई। तो इधर कहाँ जा रही हो? रसोई तो उधर है जी। देर यहीं रुकना होगा मुझे, कहीं उस औरत ने देख लिया तो शक हो जाएगा उसे। बारात आने वाली है, जल्दी जल्दी पकवान बना। चिंता मत करो भाई साहब, सारे पकवान समय पर बन जाएंगे।
बात सिर्फ समय पर बनने की नहीं है ना, खाना चोखा भी होना चाहिए, खास करके लड्डू। हम नहीं चाहते कि बारातियों को कुछ कहने का मौका मिले। आप चिंता न करो भाई साहब, हम ऐसे बढ़िया लड्डू बनाएंगे कि खाने वाले इसका स्वाद परसों याद रखेंगे। आप ऐसे रोज शादी ब्याह पे खाना बनाने जाते हैं? रोज की रोज काम कहाँ मिलता है भाई साहब। हाँ, पर इतना मिलता है कि गुजारा हो जाए। पहले भी कभी ऐसे छोटी उम्र के बच्चों की शादी में गए हैं? हमारे जमाने में तो शादी इसी उम्र में हुआ करती थी। आजकल बहुत कम हो गए हैं बाल विवाह, और होते भी हैं तो चोरी छुपे। डर नहीं लगता आपको? डर किस बात का? बाल विवाह कानून के खिलाफ है। कानून गलत कहता है ना, यह तो एक अपराध ही। हम क्या जाने कानून, बुलावा आया तो आ गए काम करने। अपना और अपने परिवार का पेट भी तो पालना है। मतलब कि आप जानती थी कि यहाँ बाल विवाह हो रहा? पर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मैं भी तो इन लुगाइयों के जैसे खाना पकाने आई हूँ। किसका ब्याह है, किसके साथ है, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। देखो बारात आ गई, स्वागत की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ भाई जी, सब तैयार है। श्यामल भाई बाल विवाह में शामिल होने आए हैं? देखो दूल्हा कितना बाका लग रहा है। नहीं, हमारी दुल्हन भी कुछ कम नहीं लग रही है। ऊपर कमरे में तैयार हो गई वो भी। सब लोग बारात के स्वागत में लगे। यही मौका आरती के पास जाने का। उस बच्ची को बाल विवाह का शिकार होने से बचाना ही होगा मुझे। थोड़ी देर में मैं गंगा जगदीश सिंह, आपने फोन किया था ना? एमएलए साहब नहीं आए। देखिए वो अभी तक काम से नहीं लौटे हैं, बहुत जरूरी काम के लिए गए थे, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गई। और मैंने दूल्हे को देखा, क्या उम्र होगी उसकी? 17 साल का है। अरे छोरी ने बचा लो, तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बचा लो मारी छोरी। कुछ नहीं होगा, ये शादी नहीं होगी, मैं होने नहीं दूंगी। तुम मत घबराना, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। गंगा को मुझसे क्या बात करनी थी? आई होप अस्पताल में सब कुछ ठीक हो। हेलो डॉक्टर जगदीश, गंगा से बात कराइए। सर वो तो थोड़ी देर पहले चली गई। कहाँ कहीं कुछ बताया? नहीं सर। ओके उदय,
उदयपुर के कलेक्टर मिस्टर शिवराज शेखर पर लगाया गया इल्जाम वाकई बहुत ही गंभीर है। उन्हें जानने वाले लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि वो निहायत ही शरीफ और इंसाफ पसंद इंसान हैं जो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मिसेज वंशिका गहलोत इन सारी बातों को गलत बताते हुए अपनी बातों पे अड़ी हुई हैं और वो ये कह रही हैं कि वो अपने बॉस और शहर के कलेक्टर के चेहरे से शराफत का नकाब हटाकर अपने साथ हुई बदसलूकी की सजा उन्हें दिलवा कर रहेंगी। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि मिस्टर शिवराज शेखर की पीए रसिका ने अपने बॉस पर अपने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। मिस्टर शिवराज शेखर एक बहुत ही बदतमीज लूज कैरेक्टर और गंदी सोच वाले इंसान मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की, जबरदस्ती की मेरे साथ। मिस्टर शेखर को ऐसी सजा दिलाऊंगी कि फ्यूचर में फिर कभी ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। अब ये देखना है कि रसिका जो कह रही हैं क्या वो वाकई सच है, और अगर ये सच है तो क्या उनके साथ इंसाफ होगा। अब आगे मौसम का हाल। देखा आपने, जिस लड़की ने मेरे बेटे को जेल भिजवाया था, आज उसी के बड़े भाई की असलियत सबके सामने आ गई। बड़ी सती सावित्री बनी फिरती है ना, देखे जाके ना मायके में क्या चल रहा है उसके। भगवान जाने सांचे के कारण कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी हमारे परिवार को। डैड, सिर्फ सांची नहीं कि पूरी फैमिली ऐसी है। अब तो मुझे किसी बात की कोई हैरानी नहीं होती। साची का चेहरा कैसा पीला पड़ गया था ना अपने भाई की करतूत के बारे में सुनकर। सच कहूं मेरे दिल को ना आज बहुत ठंडक मिली है। सच में मजा आ गया आज। बदला तो अब शुरू हुआ है मॉम, स्पेशली विवेक भैया से। खुद को बहुत ग्रेट मानते हैं ना विवेक भैया। अब देखते हैं वो किसका साथ देंगे, उस लड़की का जिसके साथ ये इनजस्टिस हुआ, या फिर उस कैरेक्टरलेस शिव का। और वैसे अगर भैया की नजर में सांची सही थी तो आई थिंक किस वक्त तूने रसी का कोई सच मानना होगा, राइट? आई डोंट थिंक विवेक इस बार लड़की का साथ देगा। शिव भाई है ना सांची का। तो क्या सौरभ का कोई रिश्ता नहीं है विवेक से? प्यार का पर्दा बढ़ गया विवेक की आंखों पर। सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको। और इसमें कोई शक नहीं है कि शेखर फैमिली का हर आदमी डबल स्टैंडर्ड्स वाला है। सिचुएशन देखकर अपनी सोच बदलते हैं वो। हाँ, और एक बात है कि शिप को बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगा देंगे। मुझे ब्याह नहीं करना, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है मुझे। आपने कुछ कपड़े मंगवाए थे ना, ये आरती के भाई के हैं। जिस प्रथा ने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का भविष्य भी उसी बाल विवाह की बलि चढ़ जाए। ऐसा नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं। जब छोटी सी उम्र में ब्याह हो जाता है तो लड़के और लड़के पर क्या गुजरती है, ये दर्द मैंने भी सहा है। मेरा भी बाल विवाह हुआ था, चलो बेटा ये कपड़े पहन लो, फिर हम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। किसी को हम पर शक नहीं हो, कोई नहीं पहचानेगा तुझे। पर कुछ कुछ हो गया तो, किसी ने देख लिया तो? जो इस वक्त हो रहा है उससे बुरा और क्या हो सकता है। आप हिम्मत रखिए,
सब कुछ ठीक होगा। जा बेटा, जल्दी से कपड़े बदल ले। कौन? अरे मैं हूँ, दरवाजा खोलो। आप आ गए। अरे भाई जल्दी करो। पंडित जी छोरी को बुला रहे हैं, थोड़ा जल्दी करो। आप चलिए, मैं छोरी ने लेके आती हूँ। ठीक है। या कौन है? वो छोरी का बड़ा मन था सजने सवरने का, तो मैंने इन्हें बुला लिया। भाई पहली तो थारी छोरी बड़ी जिद कर रही थी ब्याह ना करने की, अब बड़ा बड़ा शौक लग गया है सजने सवरने का। ठीक है, फिर थारा सागा इन्हें बाहर लेकर आओ। पंडित जी बोल रहे हैं कि ब्याह को समय निकल तो जा रहे है, और थोड़ा जल्दी करो। जल्दी से कपड़े बदल ले। चले, जा, जल्दी कपड़े बदल कर। जा। अगर मिस्टर शेखर समझते हैं कि दूसरी लड़कियों की तरह मैं चुप रहूंगी तो वो बिल्कुल गलत है। मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डिमांड करूंगी। जब तक वो अपनी पोस्ट से हट नहीं जाते और मुझे मेरी नौकरी वापस नहीं मिलती, तब तक मैं लड़ती रहूंगी। मिस्टर शेखर को ऐसी सजा दिलाऊंगी कि फ्यूचर में फिर कभी ऐसा करने की सोचेंगे भी नहीं। तो आपको मेरी याद आ ही गई। हाँ, न्यूज सुनी मैंने, बट हैरानी हुई कि अपने नए बॉस को तुम अपनी खूबसूरती से इम्प्रेस नहीं कर पाए। शिवराज शेखर के दिल में एंट्री नहीं मिली तुम्हें, ऐसा कैसे हो गया रसिका? कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ही शरीफ होते हैं। शिव को पूरी दुनिया में उसकी सिर्फ बीवी ही नजर आती है, आनंदी। तो जरूरत क्या थी शिव जैसे बोरिंग आदमी पर अपना टाइम बर्बाद करने की? क्या करती, एक ही तो चाहने वाला था मेरा। माय एक्स बॉस ब्रिजेश संघवी, पर अब आप भी मुझे याद नहीं करते, इसलिए क्या करती? दूसरे दरवाजे खटखटाने पड़े मुझे, पर अफसोस शिव के दिल का दरवाजा नहीं खोल पाई। अपने घर का दरवाजा खोलो, फिर कोई अफसोस ही नहीं होगा तुम्हें। मतलब? अरे बाबा दरवाजा खोलो तो सही। ब्रिजेश, हाँ, what a surprise. A pleasant surprise, correct? हाँ जी। जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे छोरा कौन है? ये
मेरा बेटा है। पर तुम तो अकेली आई थी ना? हाँ, वो इसके बापू ने भेजा है मुझे बुलाने के लिए, कुछ जरूरी काम आ गया। पर मैं तो बाहर ही थी, भीतर आते तो मैंने इसे देखा नहीं। वो अरे भौजाई, ये क्या पूछताछ में लगी हो? शादी का घर है, कुछ नाचना गाना होगा कि नहीं? और लड़की को ले आओ, अगर तैयार हो गई हो उसे आशीर्वाद तो दे दो। सुनो, तुम्हें जाना था ना, जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर ध्वजा मंगलम पुनरिकाक्षो मंगला तुनवेरी सर्व मंगल मंगले शुभे सर्वार्थसाधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। यजमान कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। ओम शुभक्षेक दंतश्चित्य कपलो गज कर्ण कालंबु। जो इंसान स्वयं सामाजिक कुप्रथाओं के दुष्परिणाम भुगत चुका हो, पीड़ा सह चुका हो, उसका संघर्ष तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों को इनका शिकार होने से बचा सके।